वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को फुल वॉच किया करो। आप लोग वीडियो को नहीं देखते यार, क्यों नहीं देखते? वीडियो को देखा करो, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ यार। वीडियो को लाजमी देखो, लाइक भी करो, उसमें शेयर करो, सब्सक्राइब लाजमी करो, ठीक है? 1 सब्सक्राइबर जल्दी करवा दो। आप सबके लिए इतनी इतनी मेहनत मैं करता हूँ यार, इतना ब्लॉग मैं आपके लिए बनाता हूँ, तो आप तो मेरा दिल भी उठने लग गया इस चैनल से। मुझे बहुत दुख दे दिया, आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करते यार, क्या करूँ यार। वीडियो को फुल वॉच करो। हे गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। तो आज का जो हमारा व्लॉग बन जा रहा है बहुत स्पेशल, क्योंकि अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और आज है जी संडे। तो हमने सोचा क्यों ना आज बारबेक्यू पार्टी रखी जाए, और अभी दिन का टाइम है 2:30 बजे हैं और जो मौसम है एकदम फिट हो चुका है कि हफ्ते से लाहौर में बारिश हो रही है, कभी रुक रही है, कभी आ रही है, कभी रुक रही है, ये मौसम बदल जाता है, कभी चेंज हो जाता है, पता नहीं क्या क्या मौसम ने आँख मचोली डाली हुई है। तो आज ही हमारा साथ देख सकते हैं बादल की आपको आवाज आ रही हो, अभी बारिश हो रही है जी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज का व्लॉग कुछ डिफरेंट बनाया जाए। फिर आज हम करने जा रहे हैं जी बारबेक्यू पार्टी, और बारबेक्यू पार्टी जो हमारी होगी आज चिकन की होगी, क्योंकि बीफ खा खा के ना एकदम अगेन के बीफ का पुलाव, बीफ की कढ़ाई, बीफ का टिक्का मसाला बोटी, बहुत यार बहुत खा खा के ना बीफ तो बिल्कुल पक्की है एकदम। तो इसलिए आज हमने कल सोचा कि स्पेशल चीज़ ट्राई की जाए और डिफरेंट कीजिए। तो हमने तो विंग्स देखे होंगे, वो जो ऐसे करके ऐसे पता नहीं कैसे बने होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। नीचे जाके मैंने जो उसको फुल मैरिनेट कर दिया है, और साथ हम बनाएंगे बड़े गोश्त के दिल एकदम फिट से, बहुत ज़्यादा मज़ा। मैं तो खाता रहता हूँ बाहर से, लेकिन मुझे जो बाहर के बड़े गोश्त के दिल पसंद है ना, बहुत कमाल लगते हैं। तो अभी जी बस मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का मौसम, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा भी चलने लग गई है, और मैं आपको सारा रात को करेंगे बारबेक्यू। और आज कल सामान देखना है, अंगीठी देखनी है, अंगीठी पड़ी हुई है, पड़ी तो हुई है लेकिन ढूंढने वाली है। तो आज चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंगीठी कहाँ पड़ी है, और ढूंढते हैं और फिर करेंगे अपना बारबेक्यू पार्टी, रात को सीन डालेंगे। तो आज चलते हैं, देखें जी ये बादल देखें जी आ चुके हैं, और बारिश भी हो रही है, ये आपको ये बारिश नज़र आ रही होगी। माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, ये सामने हम हवा देखें कैसी चल रही है, बहुत हैवी मौसम हो चुका है, बहुत हैवी है, माशाल्लाह फुल तेज़ हवा चल रही है, और बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं टेरेस में खड़ा हूँ, तो ये देखें ये बारिश आ रही है, अभी सारी बारिश गिरी हुई है, और यहाँ पे भी सारी, मैं भी टेरेस में खड़ा हूँ, तो देखें जी बस। और एक यार बैठने ये भी है, क्योंकि यार कल हमारे स्कूल में पीर का दिन है, 2 अगस्त है, और स्कूल हमारे ओपन हो चुके हैं। आपका भाई 9th क्लास में है, और आज को अभी मैं जाऊँगा जी उसी के साथ, कुछ काम था क्योंकि कॉपीज वगैरह लानी थी, ये हम क्योंकि वहाँ पे एक तो होल सेल रेट में मिल जाती है, और मेरी और मेरे भाई की दुकान की भी कॉपीज लेके आई खानी, और बारिश शुरू हो गई है, फिर हम खाना खा के बस जाएँगे। आपको दिखाता हूँ कि आज खाने में हमारा क्या बना है, और खाते भी हैं, और फिर चलेंगे जाते लेके आएंगे अपनी जो कॉपीज़ हैं, और फिर रात को करेंगे कि बारबेक्यू पार्टी। तो आज चलते हैं, तो थोड़ी खुशी भी है स्कूल जाने की, और थोड़ा थोड़ा काम भी किया, थोड़ी देर बाद 15 अगस्त को काट लेते हैं, वो पता है कि फिर फाटल आपके घर छुट्टे घर में बैठ बैठ के माता जी बस चलते हैं नीचे, और फिर आपको सारा चीज़ दिखाते हैं। आज हमारे हमारे मामा ने बनाया जी पुलाव, पुलाव जो कि एकदम फिट है, आपको दिखाऊँगा बहुत ज़्यादा मज़े का। तो आज चलते हैं और आपको दिखाते हैं आज वाल जी। तो जी गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ जी इनकी शॉप पे, और ये कुतुब बाज़ार की होल सेल शॉप है। इनकी जो पेपर क्वालिटी थी बहुत अलग क्वालिटी, पेपर तो माशाल्लाह बहुत अच्छे मटीरियल मिल गई यहाँ से, और देख सकते हैं इनका जो स्टॉक था हर किस्म का, जो कॉपीज वगैरह यहाँ पे ऑल टू ऑल मिल जाते हैं, रजिस्टर भी। और चलते चलते जी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डबल डेकर बस जो है ये आ चुकी है, ये जो टूरिस्ट लोगों को फिर आती है, ये ऑयल एंड ट्रेन का पोल टूरिस्ट जितने भी उनको फिर आती है। तो जी गाइस, रात हो चुकी है, और अभी जी हम अपना बारबेक्यू का सेटअप कर रहे हैं, और आज थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि घर वालों ने कहा है कि कंपटीशन किया जाए, और मेरे जहन में भी एक आया कि अब जो विंग्स हैं और साथ बड़े गोश्त के जो दिल हैं वो तो ऑल टू ऑल लगेंगे सीखों पर।
और जो है बड़े ये विंग्स वगैरह बड़ा नबलेट्स होती हैं वो जो है वो हम करेंगे जी सीखों पे, आधी सीखों पे और आधी हम करेंगे ऑयल में। बहुत मज़ा आएगा जी। अभी बस सेटअप काटा फिजान सारा और हमने फोल्डर वगैरह ढूंढा, लाइट वगैरह पानी लगा रहे सेटअप में आपको दिखाता हूँ सारा। और बस अंगीठी वगैरह ऑयल वगैरह जो है आज बहुत चीज़ों पर लेके आते हैं और बारबेक्यू का सेटअप करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन है वहाँ का सारा। तो आज ये जगह जी और अभी ये बल्ब एक लगा दिया फिजान ने, तो जला यार फिजान, तो ये देखें जी फुल सीन बन गए यहाँ पे। और यहाँ पे सही है सिस्टम, यहाँ पे पौधे वगैरह और यहाँ पे हम जी रात के बनाएंगे। और जी देखिए बारिश हुई हुई थी और मौसम भी अच्छा है, बस सही है मौसम भी, ब्लैक ब्लैक फुल नज़र आ रहा है। और ये देखें जी सारे ये जगह अभी जी करते हैं इधर बैठ के बारिश। जी जो कोयले हैं वो थोड़े कम पड़ गए हैं, मैं वो दिखाता हूँ थोड़े कोयले जो हैं वो कम हैं, ये जी कोयले हैं बस इतने से। और अभी जी कोयले लेने भी जाना है और जान जी बारिश ये सारी चीज़ें निकाल रहा है यहाँ बैठ के देखना, और मौसम अच्छा है थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। तो अभी जी दिखाता हूँ मैं आपको सारा, बहुत बहुत गंदा भाई। ये हमारा चरपाइयों वाला कमरा है जिसके अंदर आल टोल हमारी चीज़ें होती हैं, पेटियाँ वगैरह आल टोल चीज़, तो मैं आपको दिखाता हूँ सारा यहाँ पे। ये देखिए इतनी अभी रोशनी हो गई है। तो जी फिजान ये चरपाई लेके आ रहा है, दाने चरपाई पे बैठेंगे जी सारे इधर। और देखिए जी चरपाई पे ये फिजान चरपाई, तो ये फिजान जी अभी सीखे तो हो रहे हैं क्योंकि इस सीखे जो थी वो पार्टी हो रही है और अब तो एंड भी होने वाली है क्योंकि ख़त्म सब कुछ हो गया, सब कुछ खाक हो गया। अभी जी जो हमारा आइस है वो मैंने रखा हुआ है क्योंकि मैंने आपके आपसे शेयर भी तो करना है कि कैसा बना है। तो अभी जी बारबेक्यू पार्टी हो रही है और मौसम सही है, लेकिन गर्मी नहीं है इतनी कि जैसे यहाँ बस हो जाती थी वैसे नहीं। अब तो आपको पता है कि हफ्ते से इधर यहाँ पर बारिश भी हो रही है और आपको दिखाता हूँ यहाँ का सारा सीन, आपको खाली हो चुका है सब कुछ। और आपको जो मैंने बारबेक्यू बनाया ना अपने लिए जो खुद बनाया वो दिखाता हूँ आपको, और आ जाएँ। और नीचे जो थे बारबेक्यू फ्राई वाले वो भी दिखाऊंगा आपको कि उनका क्या टेस्ट है, और जो इधर वाले हैं उनका क्या टेस्ट है। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ वाले बारबेक्यू। तो जी गाइस ये देखें जी हमने ये बारबेक्यू बनाया और फुल जूसी जूसी है, देखें जी कैसा लग रहा, फुल ब्राउन ब्राउन इसका शेड आ रहा है जी। और मसाला एकदम हैवी लगा था इसका साथ। और देखे जी यहाँ पे, तो ये देखे जी ये नीचे मेरे चाचू ने बनाई है, तो थोड़ी सारी की है ये देखे ये वाली, और ये भी सही है, ऐसी नहीं मतलब कि हैवी है जैसे बाहर से मिलती हैं उससे तो अच्छी बनी है, उससे अच्छी बनी है। ये देखे सारा। तो जी गाइस आप देख सकते हैं ऑल टू ऑल चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और हम वाइंड अप कर रहे हैं। बस उम्मीद है कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद है, इस व्लॉग को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।